जहां पर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। वो कह रहे हैं कि मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, काम का विभाजन किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, काम का विभाजन किया गया है। ये बयान है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि थोड़ी ही देर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा और वो हो भी गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान है, मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। नई सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। दो उप मुख्यमंत्री वो पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये सुना आपने, बहुत बड़ा बयान सीएम का। और किसको कौन सा विभाग मिला है वो आपको हम बता रहे हैं, वो भी देखिए आप। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे खंडवा संवाददाता अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीएम का यही कहना है कि मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या फोन कर उनको बताया गया है कि आपके पास कौन सी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल सुमित, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा के प्रवास पर हैं और जब संत सिंगाजी समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां न्यूज 18 ने उनसे बात की, उनसे मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 28 मंत्रियों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी दे दी है, दो उप मुख्यमंत्री भी पहले से हमारे बीच में है, काम का विभाजन कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले 5 साल तक ये बहुत डट कर काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को कार्य का विभाजन कर दिया गया है जो बहुप्रतीक्षित था, और लगभग लगभग यही हुआ है कि सभी मंत्रियों को फोन करके ये बताया गया है कि उन्हें किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी करा रहा है और मुख्यमंत्री का ये बयान भी सबसे पहले न्यूज 18 ही दिखा रहा है। न्यूज 18 के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था